नमस्कार सभी को। सिंपल लिविंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम लोग गर्मियों में गजानिया के फूलों की केयर किस तरीके से करें, प्लांट की केयर किस तरीके से करें कि हमको गर्मियों भर इसको ज्यादा से ज्यादा फूल मिल सके। क्योंकि ये देखिए आप, ये वैसे तो सर्दियों का प्लांट है, ऐसे ही बोला जाता है कि ये सर्दियों में आपने अगर लगाया होगा तो उधर नवंबर दिसंबर अक्टूबर से ही इसको लगाना शुरू कर दिया था तो। लेकिन इसके फूल अभी भी आ रहे हैं। आज अप्रैल, बस मंथ अप्रैल का शुरू हो गया है दोस्तों, और हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इस समय हमारे यहाँ 33 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम में। तो हम इसको, इसकी केयर इस समय किस तरीके से करें कि हमको ये समर भर, गर्मियों भर काफी लंबे समय तक ये हमको ज्यादा से ज्यादा फूल दे सके। तो पहले आप ये देखिए कि मैंने इसको किस तरीके से ऐसा लगाया हुआ है, और ये देखिए आपको सब तरीके से दिखाऊं। ये देखिए, ये है, आप देख रहे होंगे इधर, यहाँ पे ये पारचुलका का भी लगा हुआ है, मैंने लगाया है, मैंने पारचुलका और ये गजानिया ये दोनों एक साथ लगाया हुआ है। मैंने आपको इसके पहले जब गजानिया का लगाया था दोस्तों, गजानिया का वीडियो बनाया था, तो मैंने बताया था कि मैंने थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी गजानिया को लगाया। तो मैंने, ये देखिए इसमें आप, इसकी ग्रोथ खूब अच्छी हो रही है, इसमें भी कलियां आ रही हैं पर्चुलका में भी, और इसमें भी बहुत कलियां हैं। ये देखिए आप, मैं आपको इधर से दिखाना शुरू करूंगी, इधर से इसके बगल से दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ से ये है, यहाँ से है, इधर से ये, फिर ये इधर, ये देखिए आप, बहुत ज्यादा कलियां हैं। ये देखिए एक ये है, और तो नहीं दिख रही, हाँ ये है, ये देखिए ये है, और ये सब इस समय दोस्तों, इस टाइम मैं आपको वीडियो जब बना रही हूँ ना, तो इसमें कम है फूल। और ये है, और ये दिखाऊँ मैं, ये है, ये है, पता नहीं कितनी हो गई, बहुत हो गई, और तो नहीं दिख रही है, ठीक है। ये हम पहुँच गए इधर, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आ गए, तो ये इतनी सारी कलियाँ हैं इसमें, और मैंने इसको इस तरीके से लगाया है। तो अब चलिए बात करते हैं कि कैसे हम लोग केयर करें इसकी। तो इसकी केयर के लिए देखिए, गर्मियों में सबसे पहले तो आप इस, अभी तक आपने जहाँ पे भी जगह इसको रखा होगा, अब वहां से सबसे पहले हटा दीजिए। अगर इस पे आपकी पत्तियां इसकी झुलस रही होंगी, अगर जल रही होंगी, तो आप इसको यहाँ से हटा के, और मैंने अब इसको ग्रीन नेट के नीचे रख दिया है। तो ग्रीन नेट के नीचे नहीं, अगर ग्रीन नेट नहीं हो आपके पास, तो आप ऐसी जगह रख दीजिए जहां पे शेड हो, शेडी एरिया में थोड़ा सा रख दीजिए, और या फिर इस तरीके से रखिए कि जहां पे सुबह की या शाम की थोड़ी सी देर की, 1-2 घंटे की धूप थोड़ी थोड़ी से मिल जाए। नहीं तो कुछ ऐसे पेड़ों के पास रख दीजिए जिसके पेड़ों की छाया पड़ती रहे, उधर से जैसे छन छन की धूप आती रहे। तो इसके ऊपर डायरेक्ट एकदम सनलाइट मत लगा रखिए ऐसी जगह पे, नहीं तो ये सब एकदम खराब हो जाएगा आपका। और जैसे आप बोलेंगे ना कि फूलों खिलने के लिए धूप की जरूरत होती है, धूप की होती है जरूरत, लेकिन अभी तेज, बहुत जबरदस्त धूप हो गई है, अब इस ये नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। अगर आपके यहाँ अगर इतनी तेज धूप नहीं है, तो आप अभी भी रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसे अब हम शेड में रखते हैं, तो क्या होता है कि फिर थोड़े बहुत बहुत ना इंसेक्ट्स या मिलीबग का फिर वो डर होने लगता है, खतरा होने लगता है। अब देख रहे हैं इस टाइम हमारा बहुत तेज हवा चल रही है, तो जैसे मिलीबग्स आपको दिखेंगे अगर कुछ, तो मैं हमेशा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब कुछ यूज करती हूँ, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ इसमें आप अपना नीम ऑयल का, पेस्टिसाइड का थोड़ा सा स्प्रे जरूर कर दें। क्योंकि होता ही है कि जो ये गजानिया होता है ना, इसकी जो पत्तियां होती है ना, बड़ी कंजस्टेड सी होती है, एक साथ घनी सी होती है, बहुत घनी घनी सी, तो उसमें फंगस लगने का कुछ इस तरीके से रहता है। तो आप एक तो ये करिए, और नहीं तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फंजीसाइड के लिए, तो आप वो सब अपना यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये करिए कि जो भी पुराने आपके, जैसे कि ना देखिए फूल सूख जाएं, फूल ना, ये देखिए जैसे मेरा ये ऐसे सूख गया, ठीक है। तो अब जितने भी सूख जाते हैं ना फूल, उनको आप टूट हटाते रहें, तो जितना ज्यादा आप इनको हटाते रहेंगे, और उतने आपको नए नए फूल और मिलते रहेंगे।
तो आप एक तो ये करिए, और एक चीज ये करिए कि जो इसकी मिट्टी है उसमें हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। उसमें ये नहीं हो कि पानी नहीं देना है, कम देना है, बहुत ज्यादा तो नहीं देना है, लेकिन ये है कि मॉइस्चर हमेशा, मिट्टी जो है एकदम सूखी आप मत उसको छोड़िए, आप इसकी मॉइस्चर को बना के रखिए मिट्टी को। और बस यही तीन चार चीजें आप ध्यान में रख लीजिए। देखिए आपको खूब फूल मिलते रहेंगे बहुत लंबे समय तक ना, तो बहुत सारे ऑप्शन निकल आते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। बस ये है कि जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में मैं कई बार नहीं होता है कुछ, तो क्या करती हूँ मैं कि जो गोबर उसकी खाद होती है, तो उसको सूखी खाद को ही मैं रात भर के लिए थोड़ा सा पानी में भिगा देती हूँ, उसका सुबह उसके पानी को मैं लिक्विड फर्टिलाइजर की तरीके से गमले में पौधों में डाल देती हूँ। तो और इसको बस इसी तरीके से आप केयर करिए, आपको बहुत दिनों तक फूल इसके मिलते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेगा। तो फिर मिलते हैं किसी और किसी प्लांट्स के साथ, फूलों के साथ। बाय, थैंक यू।